एएसपी ऑपरेशन नितिन कुमार का विदाई समारोह आरा पटना बाईपास स्थित ब्लू हेवन रिजॉर्ट में आयोजित की गई। विदाई समारोह में डीएम रोशन कुशवाहा ने कहा कि वर्तमान समय में लाठी एवं गोली छोड़ लोगों के बीच जाना और कानून व्यवस्था बनाए रखना मॉडल पुलिस का असली रोल है। एएसपी ऑपरेशन नितिन कुमार ने इसे कर दिखाया है। अपने व्यवहार एवं कार्य कुशलता से उन्होंने अफसरों एवं जिले के लोगों में खास जगह बना ली है। उन्होंने सीआरपीएफ से आकर जिले में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। डीएम रोशन कुशवाहा ने मंगलवार की शाम एएसपी ऑपरेशन नितिन कुमार के फेयरवेल पार्टी में बोल रहे थे। विदाई समारोह आरा पटना बाईपास स्थित ब्लू हेवन रिजॉर्ट में आयोजित था। इस अवसर पर डीएम ने कहा कि नितिन कुमार एक अच्छे अफसर एवं व्यवहार कुशल इंसान थे। आशा है कि वे आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे। वहीं एएसपी सुशील कुमार ने कहा कि नौकरी में आना जाना लगा रहता है, विधि व्यवस्था का मामला हो या अन्य कोई समस्या, नितिन कुमार हमेशा तैयार रहते थे। अपने व्यवहार से कुछ जटिल समस्याओं को सुलझाने में भी मदद की है, उनकी कमी खलेगी। उन्होंने छोटे एवं बड़े अफसरों के साथ जनता के बीच सेतु का काम किया है, वहीं अपनी छाप छोड़ कर जा रहे हैं। वहीं एएसपी अभियान नितिन कुमार ने कहा कि मैं डिफरेंट कैंडर से यहां आया था, 2 साल तक काम किया, हर वर्ग एवं हर समुदाय के लोगों का सहयोग मिला। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि बहुत कुछ सोच समझ कर बोलने के लिए आया था, लेकिन मैं अब बोल नहीं पाऊंगा। इसके पूर्व पुलिस मेंस एसोसिएशन के मंत्री अंगद यादव ने कहा कि एएसपी अभियान से बहुत कुछ सीखने को मिला। ग्रहरा थानाध्यक्ष अवधेश कुमार ने कहा कि एएसपी अभियान अपराधियों में खौफ और विश्वास पैदा करने विश्वास रखते थे। जिस समय भोजपुर में आए उस समय यह जिला नक्सल प्रभावित था। इनकी कार्य की बदौलत अब यह जिला नक्सल प्रभावित नहीं रहा। समारोह की अध्यक्षता डीएम रोशन कुशवाहा और एसपी सुशील कुमार ने संयुक्त रूप से की। मीडिया के हमारे जो साथी हैं, उन्होंने बताया कि जो अभियान चल रहा है आप सबको पता है कि आज हम लोग नितिन जो यहाँ अपर पुलिस अधीक्षक अभियान के पद पर भोजपुर प्रशासन की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको पुनः जितना आपने यहाँ योगदान दिया करीब 2 साल के ऊपर उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। शुरू में ये समझ में भी नहीं आता था कि कैसे ईद को टैकल करें। फिर जैसे पीरो हुआ तो एसक्यू आपको सुनील साहब, सुनील जी को पहले ही फोन करना है, यह चेहरा देख के अब इस टाइप का लगता था एक आत्मीय रिलेशन, क्योंकि 2 साल काफी लंबा पीरियड होता है। अपने ऑफिस में गए तो मुराड़ी जी याद आ जाते थे। इसी तरह से लोकनी रीडर हैं, पीछे बैठे हुए हैं। जन्मेजय भी काफी पहले से हैं। कहीं भी जाते थे, कभी पोस्टमार्टम या अन्य किसी भी कार्यक्रम में, तो हर वर्ग के हर समुदाय के लोगों से काफी सहयोग मिला। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू और कहीं भी जाएंगे आई विल एवर रिमेम्बर यू। मीडिया के भी हमारे उपस्थित है तो चले तो जाएंगे, लेकिन हमेशा टच में रहेंगे, हमेशा संपर्क में रहेंगे। इसके अतिरिक्त विश यू द भोजपुर पुलिस एंड द भोजपुर एडमिनिस्ट्रेशन ऑल द बेस्ट। सोचा, सोच के तो बहुत कुछ आए थे कि ये बोलना है वो बोलना है, बट अभी इतना ही थी। कहना तो बहुत कुछ था लेकिन अभी सर को भी निकलना है और जैसा कि सर ने कहा कि मैं एक डिफरेंट कैडर से आया को परफॉर्म करने के लिए, उसमें हर वर्ग के हैं। जैसे डीएसपी साहब भी बोले थे कि
बार बार 5-5 मिनट पे फोन करते थे, वो बस काम समय पे हो जाए इसलिए किया करते थे। तो मैं अभी पर्सनल मोटिव नहीं कर रहा हूँ, तो आई विल मिस यू ऑल, बट आते जाते जब भी हो तो कोशिश करेंगे कि मिल के जाए।